मनाली एक ऐसा शहर जिसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। मनाली जाना जाता है अपनी नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए। अगर आप अपने नेक्स्ट हॉलीडेज़ के लिए मनाली ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे मनाली की टॉप मोस्ट टूरिस्ट लोकेशन जैसे कि सोलांग वैली, अटल टनल, सिसु विलेज, जोगनी वाटरफॉल, वशिष्ठ टेम्पल, वन विहार और भी बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनाली की टॉप 10 टूरिस्ट लोकेशंस की जर्नी को। आज हम जा रहे हैं लोकल साइन सीनिंग करने और यहाँ पर कई चीज़ें हैं जैसे हिडिम्बा देवी टेम्पल, मनु देवी टेम्पल और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो आप सबका क्या विचार है? मज़ा आएगा, मंदिर देखेंगे सारे, एंजॉय करेंगे यहाँ पर। और मनाली में आए हैं तो इतनी सारी चीज़ें देखनी ही चाहिए। यहाँ का फेमस टेम्पल है, यहाँ पे जो भी यहाँ लोग यहाँ पर आते हैं वो जरूर देखने जाते हैं इस टेम्पल को। तो आप लोग भी अगर आए तो जरूर जाए। आज हम लोकल साइट सीनिंग करने जा रहे हैं, अब ये बताएंगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। फर्स्ट सर हिडिम्बा टेम्पल और सेकंड रहेगा क्लब हाउस। ओके, उसके बाद में वशिष्ठ टेम्पल रहेगा। ओके, बाद में आप पैदल जाएंगे सर जोगनी वाटरफॉल। हाँ जी, तो ये सभी घूम के आते हैं और सारा चीज़ दिखाए। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मनाली से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। तो ये है हिडिम्बा देवी टेम्पल का ट्रैक और हम जहाँ जा रहे हैं ये सामने हिडिम्बा देवी टेम्पल है। सारे में ग्रीनरी है पूरी तरह से, बिल्कुल ग्रीनरी, देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट में हिडिम्बा देवी टेम्पल है जो कि महाभारत में भीम की पत्नी हिडिम्बा के नाम से रखा गया है और काफ़ी फेमस टेम्पल है मनाली आने के लिए लोकल साइट सीनिंग में।
अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं उस जगह का नाम है जोगनी वाटरफॉल, साइड में है और टेम्परेचर इतना कम है कि सारे में नहीं चल रही है। काफ़ी मज़ा आ रहा है, पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने में पूरा मज़ा आया है और अब अभी नीचे आ रही है। जोगनी वाटरफॉल तक आप दो रास्तों से पहुंच सकते हैं। पहला जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यह मनाली माल रोड से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर है और दूसरा रास्ता वशिष्ठ टेंपल से होकर जाता है जो हमने फॉलो किया, वो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी हमें ओल्ड मनाली के एंट्री पॉइंट पर, ओल्ड मनाली जाना जाता है अपने कैफेज़ के लिए, हार्डली आधा किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद हम क्लब हाउस के एंट्री पॉइंट पर पहुँच गए हैं। क्लब हाउस में एंट्री टिकट 25 रुपीज़ पर पर्सन है, 12 ईयर्स से कम के बच्चों के लिए टिकट में छूट है। यहाँ पर भी आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, जिप लाइन कर सकते हैं और बैक साइड में रिवर है, वहाँ पर बैठकर आप आधा से एक घंटा आसानी से स्पेंड कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब में टाइम निकल। देख रहे हैं मेरे पीछे वन विहार मनाली का गेट है और ये जस्ट 100 मीटर की दूरी पर है माल रोड से, तो यहाँ पर आकर आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। एडल्ट्स का 50 रुपीज़ का टिकट है और चिल्ड्रंस का 20 रुपीज़ का टिकट है, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। ये वन विहार का एंट्री गेट है और यहाँ से आप टिकट लेकर गेट के अंदर एंट्री कर सकते हैं।
सोलांग वैली में आकर भी आप स्नो की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में नैनीताल, अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर की फुल सीरीज आने वाली है, सो कीप वॉचिंग।